नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और सम अनुपात। रेशियो और प्रोपोर्शन को हम जीरो लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे। रेशियो ए रेशियो बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन हम कैसे करते हैं। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। प्रोपोर्शन में चार बिंदियां आती हैं, कितनी बिंदियां आती हैं? चार बिंदियां। रेशियो में कितनी आती हैं? दो, ये याद रखना है हमको। अब हम बात करते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, जहां पे प्रोपोर्शन का साइन है, किस चीज का? प्रोपोर्शन का साइन है, वहां पे हम इक्वल का लगा देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मेनली बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, डुप्लीकेट प्रोपोर्शनल, सब डुप्लीकेट प्रोपोर्शनल, ट्रिपलेट प्रोपोर्शनल, सब ट्रिपलेट प्रोपोर्शनल। करना क्या होता है इसमें? थ्री रेशियो सेवन प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 21। करना क्या है? फर्स्ट वाले से लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई। 7x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 21। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 7। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हमको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन में 9 भी लिखा होगा, 8 भी लिखा होगा, 21 भी लिखा होगा। जो राइट आंसर है उस पे टिक करना है, जो राइट आंसर है उस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 4 रेशियो 28 प्रोपोर्शन 4 रेशियो एक्स। मैंने बताया था फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को थर्ड वाले से। 4x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 4, 4 गुना एक्स बराबर 28 गुना 4। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। 28 गुना 4 अपॉन में 4, 4 सत्य 28, x की वैल्यू आ जाएगी 28। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का। जो x है हमारा वो यहां पे हो, यहां पे हो, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले को थर्ड वाली संख्या से मल्टीप्लाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। क्या करना है? 4 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 7 रेशियो 28। क्या करना है? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को थर्ड वाले से। 7x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 28। किसकी वैल्यू निकालनी है? 7x की। x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 7। 7 फोर्थ प्रोपोर्शनल की। कौन से प्रोपोर्शनल की? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्ग नापात। कैसे करते हैं इसको हम? जैसे कि सपोज करो 3:7 है। क्या है? 3:7। ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको 9:18, 3:7, 3/7, 9:49। डुप्लीकेट रेशियो में एक ही बात याद रखनी है हमको, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर।
इसका भी स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49। राइट आंसर चूज कर लेना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी हो उसका रेशियो यानी कि स्क्वेयर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वेयर। जैसे कि 3 क्या है, 3 का स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना है 9, 7 का स्क्वेयर कितना है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये क्वेश्चन 7:12। ये आंसर 7 का स्क्वेयर निकालना है और 12 का भी स्क्वेयर निकालना है। 7 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 49, 12 का स्क्वेयर आ जाएगा 144। देखो 49:144, ये इसका राइट आंसर है। यहां तक समझ में आ गया, ये इसका क्या है राइट आंसर है। अब क्या करना है, अगर डुप्लीकेट रेशियो में तो हमको स्क्वेयर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वेयर। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन क्या हो जाए थोड़ा सा चेंज, जैसे थोड़ा सा चेंज हो गया, डुप्लीकेट इसे लगा देते हैं हम सब डुप्लीकेट, क्या लगा देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। उसमें क्या करना है, उसमें तो स्क्वेयर रूट निकालना है, जैसे कि 49:64 है तो 49 का रेशियो निकालना है और 64 का स्क्वेयर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 49 का स्क्वेयर रूट 7, 64 का स्क्वेयर रूट 8, 7:8 इज राइट आंसर। किसमें है ये सब डुप्लीकेट में, किसमें है सब डुप्लीकेट। क्वेश्चन लिखा हो 64:144, अब क्या करना है 64 का स्क्वेयर रूट निकालना है, क्या करना है 64 का स्क्वेयर रूट निकालना है और 144 का भी स्क्वेयर रूट निकालना है। 64 का 8:144 का 12, ये होता है सब डुप्लीकेट। क्या होता है ये सब डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 9:16, क्या करना है 9 का स्क्वेयर रूट और 16 का स्क्वेयर रूट। 9 का स्क्वेयर रूट कितना आ जाएगा 3, 16 का 4, 3:4 क्या आ जाएगा 3:4। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो की, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया हो 2:3, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 8:3, 3/2, 8:27, 3:2। करना क्या है ट्रिपलेट यानी कि तीन बार, कितनी बार तीन बार, तीन बार क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 × 2 × 2 आ गया 8, 3 का 3 × 3 × 3 आ गया 27, 8:27 इज राइट आंसर, 8:27 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4:5, इसका आंसर में मिलेगा आपको 16:25, 4, 5, 5, 4, 64:125। कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन क्वेश्चन कैसे हैं, इसमें ट्रिपलेट रेशियो भी है, डुप्लीकेट रेशियो भी है और रेशियो भी है, लेकिन हमको क्या निकालना क्या है ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, इसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4 कितना आ गया 64, 5 × 5 × 5 कितना आ गया 125। अब हमको देखना है 64:125 यहां पर है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, तो वो कैसे करना है ट्रिप्लेट में, क्या करना है
क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट। 8:27 दे दिया गया, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2:4, 8:27, 4:9, 2:3। क्या करना है ट्रिपलेट में, यानी इसका क्यूब रूट 8 का कितना जाएगा 2 और 27 का 3, 2:3 इज राइट आंसर, 2:3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, किसका, सब ट्रिपलेट का, सब ट्रिपलेट का कैसे निकालेंगे, देखो 64:125 इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, 64 का कितना आ जाएगा 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 4:125 का जाएगा 5, 4:5 इज राइट आंसर, 4:5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 144:125 का क्यूब रूट निकालना है और 125 का क्यूब रूट निकालना है, 144 का निकालना है और 125 का, 144 कितना आ जाएगा 12:125 पर कितना आ जाएगा 15, 12:15 इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी जरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।